कराची में पुलिस से बदसलूकी करने का मामला है ये, जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी ने पुलिस से बदसलूकी करने वाले वकील को जमानत पर रिहा कर दिया। मुल्ज़िम शम्सुल इस्लाम ने स्नैप चेकिंग के दौरान रोकने पर पुलिस से बदसलूकी की थी। आज की अदालती कार्रवाई की तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अमीन अनवर से। अमीन, आज की अदालती कार्रवाई के बारे में अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल ख्वाजा शम्सुल इस्लाम एडवोकेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी 24 नंबर की अदालत में पेश किया गया था। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुल्ज़िम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जबकि जो मुल्ज़िम के वकील हैं जावेद छातारी एडवोकेट, उनकी इस्तदा पर अदालत ने ख्वाजा शम्सुल इस्लाम की 50,000 रुपये में जमानत मंजूर कर लिया है। और जो तफ्तीशी अफसर हैं इस केस के, उन्हें इजहार वजू का नोटिस जारी किया गया है अदालत की जानिब से। यह बताया जाए कि एक काबिल जमानत जुर्म में उन्होंने कोर्ट की इजाजत के बगैर एक मुल्ज़िम को कैसे गिरफ्तार किया, इसकी वजाहत के लिए अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी किया है और 14 दिन में इसका जवाब तलब किया है। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के खिलाफ 188 के तहत दरक्षा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनकी आज 50,000 रुपए में जमानत मंजूर कर ली गई है। ठीक, अमीन अनवर हमें अपडेट करें, बहुत शुक्रिया। जबकि शम्सुल इस्लाम एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि कल रात एक वलीमे की तकरीब में शिरकत करके घर आया था, वारंट के बगैर मुझे थाने ले जाया गया, हथकड़ी लगाई गई। इस मामले में एसएसपी साउथ जावेद अकबर का अहम किरदार है। जबकि जावेद अकबर के भाई अब्दुल मालिक के खिलाफ मैंने पिटिशन की थी, जावेद अकबर के भाई के खिलाफ पिटिशन पर मुझसे बदला लिया गया। वलीमा अटेंड करके वापस आया रात 12 बजे, उन्होंने मेरे घर की गेट पे जब मैं पहुंचा तो 3 मोबाइल लेके इन्होंने मुझे पूरा घेरा, मेरी बदतमीजी की मुझे और मेरे घर के अंदर। मैंने कहा मेरी अहलियों को अंदर जाने दें, जब वो अंदर चली गई उन्होंने मुझे पकड़ के उठा के मोबाइल में डाल के ले गए। ना इनके पास वारंट था, ना कोई वजूद थी, और हैंडकफ रखा रहा मुझे, हथकड़ी लगाए रखी मुझे। मैंने जावेद अकबर के भाई अब्दुल मालिक, जब वो आया था करप्शन के इल्जाम में एफआईए से पुलिस में आया था, मैंने उसके खिलाफ पटिशन की थी। जावेद अकबर खुद एफआईए से इसके अंदर है, मैंने उसमें कंटेंट की कुछ केसेस फाइल किए और इसके भाई को जो शिपिंग एजेंट था उस पर पेनल्टी लगी थी। इन तमाम उसका उन्होंने बदला मुझसे इस तरह सेटल किया है।